हे गाइस, आज मैं जो आपको सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बेसिकली सक्सेस स्टोरी के साथ में एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जो किसी ने बनाई है उसके बारे में है। और ये सक्सेस स्टोरी मुझे भेजी है यश ने, और बहुत ही क्यूट स्टोरी है। इसमें यश ने बोला कि अपने बचपन के टाइम को उन्होंने जब याद किया, जब रिकलेक्ट किया, तो उन्हें पता चला कि कैसे किसी बहुत ही खास इंसान ने उनकी लाइफ में एलओए को इंट्रोड्यूस कराया था और उनको पता नहीं था। तो एक्चुअली क्या था कि यश जब काफ़ी यंग एज में थे, लाइक क्लास 4 में करीब में थे, तो तब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत क्लोज थे, और उनकी मदर, क्योंकि उनके छोटे भाई बहन भी थे और ना घर में और भी ग्रैंड फादर भी थे, तो मदर हमेशा काम में बिजी रहती थी, उनसे इतना टच में नहीं रह पाती थी यश से। बहुत प्यार करती थी उनको, बट यू नो, और उनके जो फादर थे वो, उनका जॉब बहुत हेक्टिक था, उनको अप डाउन करना पड़ता था, और यूजुअली यू नो वो बहुत पेशेंस उनमें नहीं था। आई थिंक नो, यू कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत बिजी होते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से। तो यश के थोड़े एक्चुअली मार्क्स कम आ रहे थे, और सैडली ऐसा हुआ कि क्लास 4 में वो फेल हो गए। अब जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो बच्चे को थोड़ा सा वो भी लगता है ना, बच्चा लोनली होता है, तो पूरी मतलब जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि इतना मैटर नहीं करता है। अगर आप फेल हो गए, यू कैन ऑलवेज यू नो, आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो, और क्लास 4, 5, 6 के मार्क्स का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उस टाइम बच्चे को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी दुनिया रुक गई है, मतलब वो फेलियर है, और वो बहुत ही नेगेटिव प्लेस पे चले गए थे। तो वहाँ पे जो उनकी ग्रैंड मदर की जो बेस्ट फ्रेंड थी, पास में ही रहती थी, तो उन्होंने उनको यश से बहुत अटैचमेंट था, और यश धीरे धीरे उनके पास जाने लग गए। उनको हम माँ ही बुला देते हैं, ओके। तो यश धीरे धीरे माँ के पास जाने लग गए। तो जब यश फेल हुए और एक दो दिन तक माँ के पास नहीं गए, फिर जब वो माँ के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि वो फेल हो गए, और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, और वो नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, और यू नो बच्चा क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको बस ये लग रहा था कि वो उसने उसकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। तो माँ ने बोला कि तुम ऐसा करो, माँ ने उनको एक जार दिया, जैसे अचार का जो जैसे एक जार होता है ना, और बोला कि आज एक चिट बना के इसमें डालो कि आज तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो यश ने बोला, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आज तो मैं फेल हो गया, मतलब अभी तो मैं फेल हुआ हूँ, और यू नो। तो बोला ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, आज के पूरे दिन में ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब कुछ तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो, तुम्हें स्माइल आई हो, कुछ ऐसा नहीं था? तो यश ने बोला कि आज जब सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो एकदम से बॉल यश के पास आई और यश ने उसको कैच कर लिया, मतलब टप्पा खा के आई थी, पर बॉल आई उनके पास में, और तब उन्होंने एक बार सोचा, उनको अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने फिर बॉल को वापस थ्रो कर दिया क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं था। तो माँ ने बोला, अच्छा तुम ये ना यही मोमेंट को एक चिट पे लिखो और इस बॉक्स में डालो, ठीक है? उन्होंने डाल दिया। अब उनका रोज़ की हैबिट हो गई, वो रोज़ जब भी माँ से मतलब मिलने जाते थे तो वो हमेशा उनसे ऐसा पूछा करती थी। तो शुरू में तो यश यही बोलते थे, कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, यू नो। लेकिन वो फिर से यश को ये सोचने में मजबूर करती थी, यश को ये सोचने में मजबूर करती थी कि उस दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, ये यश को सोचना पड़ता था। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जैसे ही वो घर जाते थे, माँ के घर जाने से पहले उनको चीज़ें पता याद आ जाती थी कि अरे मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। तो उनके साथ मैंने बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी मेमोरीज, अच्छे अच्छे मोमेंट्स यश को याद आने लग गए। यश स्टार्टेड लाइक बीइंग हैप्पी, ओके। तो एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, ये बात को 3-4 महीने हो गए होंगे जब से उन्होंने ये हैबिट शुरू करी थी, ये रिचुअल शुरू किया था। तो गए यश को, ऑफकोर्स बहुत मूड ख़राब था यश का भी, तो उन्होंने बोला कि आज वो दिन है जब तुम इसमें से एक चिट निकाल के पढ़ो। तो यश ने फिर एक चिट निकाली, तो उसमें कोई अच्छा मोमेंट लिखा हुआ था। फिर दादी ने बोला,
माँ ने बोला कि तुम्हारे और भी मन है पढ़ने का, तो तुम चाहो तो सारी चिट्स पढ़ सकते हो। फिर यश ने एक एक करके वो सारी चिट्स पढ़ी, वो सारे मोमेंट्स को फिर से याद किया। और फिर उनके पास में क्योंकि वो सारे मोमेंट्स उन्होंने माँ के पास बैठ के लिखे थे, तो उनको माँ के साथ भी बिताए हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद आए। तो वो दोनों बहुत खुश हुए। फिर यश ने वापस बॉक्स वहीं पे रख दिया, वो वापस घर चले गए। फिर उनका ये रिचुअल चलता रहा। यश के बहुत अच्छे मार्क्स आए क्लास 4 में, ऑफ कोर्स 5 में तो नहीं थी, क्लास 4 में फिर से अच्छे मार्क्स आए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। उनको लाइफ को देखने, मतलब एक छोटे से बच्चे के अंदर भी थैंकलेसनेस का जो एक वो आ जाता है ना, कि वो किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल फील नहीं कर पा रहा, बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, जो भी आसपास की चीज़ें उनको ग्रांटेड ले रहा है। तो उनका रिलेशनशिप अपनी मदर से भी बेटर हुआ, अपने फादर से भी बेटर हुआ। वो अब इतना तो नहीं समझदार हो गए थे कि वो समझ जाए सिचुएशन को, बट वो खुद से जो अपने आप को फेलियर फील करते थे, उन्होंने फेलियर फील करना बंद किया। तो आज वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ये जो हैबिट जो माँ ने उनको डलवाई थी, वो फिर उनका ना वे ऑफ थिंकिंग बन गया। मतलब वो अपने आप, अगर नेगेटिव सिचुएशन में होते थे तो अपने आप उनका दिमाग पॉजिटिव चीज़ें उनको रिमाइंड कराता था। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ यू नो पॉजिटिव थिंकिंग, उसको यही बोलते हैं। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे लास्ट वाला लास्ट टू लास्ट वीडियो था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि लेट गो करके सोलमेट को मैनिफेस्ट किया। तो कुछ लोगों ने उसके अंदर बोला है कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो मैं उसमें यही बोलना चाहूँगी कि अगर रियली आप किसी से प्यार करते हो, तो आप उसको पाना नहीं चाहोगे रियली, मतलब आप उसको खुश देखना चाहोगे। प्यार का यही मतलब होता है। ऑफ कोर्स आप गिवन अ चॉइस, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगे, बट अगर सच्चा प्यार है तो वो पाने में नहीं है, वो देने में है। तो आई थिंक आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।